देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप के मानकर ही बना सकते हो, पर जनरली मैं यहाँ से के मानूंगा नहीं। क्यों? देखो, बोला गया कि द प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाई x% एंड दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज बाई 30%, देन द न्यू प्राइज ए एंड बी विल बी द रेशियो इन 10:7, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं यहाँ से के मानकर या फिर एक्स मान के नहीं बनाऊंगा। देखो, दो वस्तुओं की जो प्राइस है मैं दे रखी है, 4:5 में दे रखा है। ठीक है, आप इसको 40:50 कर सकते हो, 40:50। अब इसमें बोला गया कि एक में x% की वृद्धि होती है, यहाँ पर x% की वृद्धि होती है, और यहाँ पर 30% की वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर 30% की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा, 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15। 50 का 30% 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 65 होता है। ठीक है, अब जो फाइनल हमें रेशियो मिल रहा है 10:7 का, फाइनल रेशियो कितना बनेगा, 10:7 को मिल रहा है। ठीक है, तो बोला गया एक्स का मान कितना होना चाहिए, एक्स का मान कितना होना चाहिए। अब हमें ये बताओ कि भाई यहाँ पर 65 आ रहा है वैल्यू, अगर यहाँ पर 65 आ रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें 7 के मल्टीपल में रही होगी। देखो, 7 के मल्टीपल में रही, क्योंकि जो रेशियो अगर हम करें 4:8, तो ये रेशियो आएगा 1:2। तो अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 2 के मल्टीपल थी, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 4 के मल्टीपल थी। ठीक है, नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या हो रही है, यानी कि इसमें भी 5 आना होगा और इसमें भी 5 आ रहा होगा। यानी कि अगर 65 है भाई, 65 है तो 13 × 5 भी तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कमी हुई है ना, कमी हुई है, कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई है, अगर कमी हुई है तो 30% क्या हो रही है, कमी हो रही है, 30% कमी हो रही है, यानी कि 15 कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का मैं कर देता हूँ। अब जो रेशियो था कितना आपका, 10:7। देखो भाई, ये 35 आ रहा है, नहीं कि इसमें 5:7 आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसमें भी 5 × समथिंग आ रहा होगा ना, समथिंग 5 × समथिंग, यानी कि एक्स, इसको एक्स मान लो, 5 × एक्स। तो अब देखो, यहाँ से ऑप्शन आप पुट कर दो, डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन पुट करो, पॉइंट वाला पहले ऑप्शन आपको पुट नहीं करना है, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको पुट करना है। अगर आप ऑप्शन यहाँ से पुट करो, अगर मैं 25 यहाँ से पुट करता हूँ तो 40 का 25% कितना हो जाएगा, 40 का 1/4 यानी कि 10। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 25% लूँगा कि यहाँ पर 25% बढ़ रही है प्राइस, यानी कि 25% इसकी कीमत में पहले से बढ़ रही है, तो अब यहाँ से कीमत कितनी हो जाएगी, नई कीमत 50 रुपये। अब देखो, 50 रुपये हो जाएगी भाई, तो 50 और 35 का रेशियो निकालोगे, 5 से काटोगे 10 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, यानी कि सी ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको आगे 20 जो ऑप्शन डी है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको ए और बी को चेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन से ही आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे, बाकी आप यहाँ से के मानकर बना सकते हो, कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। आप बुक में ही मिल जाएगा कि फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस आपका 4K एंड सेकंड का आप 5K मान लो, पहले में x% का हो रहा है 100+x%, और दूसरे का हो रहा है 30% हो रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बट उस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ऐसे सोचना है।